لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين نور السماوات والأرضين إله الأولين والآخرين باعث الأنبياء والمرسلين منزل الكتب السماوية والقرآن الكريم لهداية المسترشدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأهلك أعداءه وجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومواليه وخدامه اللهم انصر من نصره واخذل من خذله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود بي محمد وعلى محمد تحريك إمام حسين عليه الصلاة والسلام تمام انبیاء علیہ السلام کی الہی تحریکوں کا تسلسل اور تحفظ کے عنوان پر آج پہلے عشرے کی تیسری مجلس اور تیسری تقریر ہدیہ سماعت ہے اور اس موضوع کے لیے سرنامہ کلام سورہ مبارک انبیاء کی آیت 73 کو قرار دیا گیا جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو امامت کے عہدے پر امامت کے منصب پر اپنی طرف سے فائز کیا بس اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا لوگوں کے لیے اور وہ ہمارے امر سے اور ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نیک کاموں کو انجام دیں
नमाज को कायम करें, ज़कात को अदा करें, और वो सब हमारे इबादत गुजार बंदे थे। अज़ीज़ाने गिरामी, कल मैंने गुफ्तगू करते हुए चंद आयात करीमा कुरान मजीद से अपने मौजूद सामीन की खिदमत में पेश की। मैं उन्हीं आयात के समरी जो है समराइज करते हुए उसे और उसका कंक्लूजन तो मैंने बयान किया था, विदाउट समरी दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसका खुलासा और माहसल और निचोड़ पेश करूं और फिर नतीजा आपके सामने पेश करूं। लिहाजा समरी के बगैर ही, खुलासा बयान किए बगैर ही मैंने नतीजे को बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया। दो तीन मिनट में मैं उसको दोबारा खुलासा बयान करूं ताकि फिर उस मंजिल से हम आगे की तरफ बढ़ें। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए और इस मजलिस को नूरानी तर करने के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद भेजे मुहम्मद और आले मुहम्मद पर। अल्लाह ताला ने जो आयत करीमा सूरे मुबारक आले इमरान की तीन आयतें और सूरे मुबारक शूरा की एक आयत आपके सामने पेश की, उसका खुलासा हम करें, समराइज करें कि अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि अल्लाह ताला से जो मोहब्बत का दावेदार है उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के हबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, और जब अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करेगा तो वो अल्लाह के हबीब की इत्तबा भी करे, इताद भी करे। इसलिए कि मोहब्बत का दावा फकत ज़बान से काफ़ी नहीं है, इसलिए कि जब कोई महबूब बन जाता है, जिसकी मोहब्बत दिल में उतर जाती है, जिसकी मवद्दत वजूद में अपना ली जाती है, तो फिर अज़ीज़ाने गिरामी मोहब्बत और मवद्दत में डूबा हुआ इंसान अपने महबूब से इश्क की मंजिल में आता है और उस महबूब से इश्क के समंदर में डूबते हुए उसकी इत्तबा करता है, उसकी इताअत करता है। ये हुक्म खुदाबंदी है कि मेरे महबूब खत्मी मर्तबत के साथ मोहब्बत करो, इसकी मारिफत हासिल करो, इसकी इताअत और इसका इत्तबा करो। तो अज़ीज़ाने गिरामी ये हुक्म खुदाबंदे मुताल ने दिया और इसके साथ साथ परवरदिगार आलम ने बयान कर दिया कि बस दावे मोहब्बत में सदाकत है तो नबी से मोहब्बत करो, और यही ऐलान नबी ने अल्लाह की तरफ से अल्लाह के हुक्म से सूरह शूरा में कर दिया कि अल्लाह के हुक्म से मैं ये बयान कर रहा हूं कि जो मुझसे दावे मोहब्बत करता है तो फिर वो अपने मोहब्बत के दावे में उस वक्त सच्चा है, अपनी मवद्दत के इद्दआ में उस वक्त खरा इंसान है, उस वक्त ये दावे मोहब्बत में इसकी मोहर लगेगी सदाकत की कि जब मेरा अजर रिसालत अदा कर दे, और वो मेरा अजर रिसालत ये है कि मेरी आल और मेरी इतरत से मोहब्बत और मवद्दत करे। एक दुरूद भेजे मोहम्मद आले, दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ाने गिरामी आप देखें कि आले मोहम्मद की मारिफत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में डूबा हुआ इंसान कैसा होता है। अगर हम बशरियत में और इंसानों के दरमियान ऐसा शाहकार तलाश करना चाहें तो अज़ीज़ाने गिरामी आपकी तवज्जो को मैं मबज़ूल कराऊंगा और इसी मंजिल से मैं गुफ्तगू को लेके आगे बढ़ूंगा कि आलम बशरियत में, आलम इस्लाम में अगर हम तलाश करना चाहें कि वो इंसान जो मारिफत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हासिल करता है और मोहब्बत और मवद्दत में डूब जाता है, ऐसे इंसान को अगर तलाश करना चाहें तो हमें सलमान फारसी जैसा इंसान नज़र आता है। अब आप देखिए कि चंद अरब जो बैठे हुए थे और बैठने के बाद अपने हसब व नसब पर फख्र कर रहे थे, इफ्तिखार कर रहे थे। लिहाजा हसब व नसब पर इफ्तिखार करने के साथ साथ
अब आप देखिएगे एक मरतबा उन्होंने तौहीन करते हुए जनाब सलमान फारसी की तौहीन करते हुए इहानत करते हुए कहा कि सलमान तुम भी अपना हसब व नसब बयान करो, तुम भी अपना हसब व नसब बयान करो। लेकिन आप देखिए कि वो जिनके दिलों में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं होती, इसलिए कि इन हस्तियों की मारिफत के मर्तबे को उन्होंने नहीं पाया होता, लिहाजा वो अपने हसब व नसब पर फख्र कर रहे हैं, इफ्तिखार कर रहे हैं। लेकिन सलमान से जब पूछा कि तुम भी अपना हसब व नसब बयान करो, तो सलमान कहते हैं सुनना चाहते हो मेरा हसब व नसब पूछते हो, जानना चाहते हो कि सलमान का हसब व नसब क्या है, तो कानों को खोल लो और सुनो कि मैं सलमान हूं, सलमान फर्जंद इस्लाम, मैं सलमान हूं फर्जंद इस्लाम हूं। और ये सलमान ही जैसा इंसान जवाब दे सकता था कि जो मारिफत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में डूबा हुआ हो। तो अजीजाने गिरामी, अब आप देखिए मैं लेके चलूंगा आपको कि ये जवाब जो सलमान दे रहे हैं, ये सवाल का जवाब कहां से सलमान ने हासिल कर लिया। वो अपने हसब व नसब पर फख्र कर रहे हैं और सलमान फर्जंद इस्लाम होने पे इफ्तिखार कर रहे हैं। तो ये इल्म कहां से लिया है? यकीनन जब मदीनतुल इल्म में जाने के लिए बाबे मदीनतुल इल्म को थामा है, बाबे मदीनतुल इल्म से वारिद होकर मदीना इल्म में गए हैं, तो फिर इल्म हासिल करके ये मकाम मिला है कि जब हसब व नसब पूछा जाता है तो फर्जंद इस्लाम होने पर इफ्तिखार करते हैं। अल्लाह के हबीब से लोगों ने पूछा कि भाई सलमान से हसब व नसब पूछा गया, तो सलमान ने यह जवाब दिया है। अब सुनेंगे अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, आपकी नूरानी हदीस नूरानी इरशाद के इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के हबीब के, देखो भाई इन्ना हसब अर रजुले दीनहु। अब तुम सुनो कि तुम हसब व नसब की बातें करते हो, लेकिन इंसान का हसब, इंसान की असल क्या चीज है? वो उसका दीन होता है। सलमान ने क्या जवाब दिया? मैं सलमान हूं, सलमान फर्जंदे इस्लाम। और यही बात अल्लाह के हबीब खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्ना हसब अर्रजुल दीनहु, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें गुरुहों में और कबाइल में तकसीम कर दिया, एक मर्द और औरत से तुम्हें खल्क कर दिया, इसलिए कि तुम फकत पहचाने जाओ कि किस कबीले से ताल्लुक रखते हो, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। लेकिन असल पहचान की वजह होती है हसब व नसब, और असल पहचान और अजमत इंसान यह है कि वो किस दीन का मानने वाला है, वो अल्लाह का मारिफत रखने वाला इंसान है या नहीं है, वो अल्लाह की इताअत करने वाला इंसान है या नहीं है। लिहाजा फरमाया इन्ना हसब अर्रजुल दीनहु। और उसके बाद अल्लाह के हबीब दूसरी चीज फरमा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं कि और सुनो कि इंसान की शख्सियत उसका अखलाक हुआ करता है। लिहाजा अगर शख्सियत की पहचान चाहते हो कि इसकी शख्सियत का मैयार कैसा है, तो उसके अखलाक को देख लो। अगर अखलाक हसना से मुत्तसिब हो तो यह पहचाना जाएगा कि अजीम शख्सियत का मालिक है। अगर रजाइल अखलाकी में मुबतला हो तो समझ जाओ कि यह अखलाकी एतबार से जो पस्त है वो पस्ती में मुबतला है, और अखलाकी एतबार से एक बद अखलाक और बिना अखलाक शख्स है, तो फिर अखलाक के एतबार से इंसान की शख्सियत का तयन होगा, इंसान की शख्सियत पहचानी जाएगी कि इंसान की शख्सियत की हकीकत कैसी है। और उसके बाद तीसरी चीज कही, थर्ड सेंटेंस, तीसरा जुमला अल्लाह के हबीब का, ये होगी दो बातें, तीसरी बात कही कि असलहु अक्लहु, कि अब तुम देखना चाहो कि उसकी बुनियाद क्या है, उसकी असल क्या है, उसकी जड़ क्या है,
तो ये देखो कि उसकी अकल कैसी है। अगर अकल को बरोए कार लाकर वो इंसान आकिल है, बामारिफत है, तो समझो ये इंसान एक अजमत रखने वाला इंसान है, बुलंदी पर फायज इंसान है। अब ये तीनों मेयार पर सलमान फारसी को तुम देख लो कि हसब व नसब के लिहाज से जितनी मारिफत इस्लाम की सलमान को हासिल है इतनी किसी और को हासिल नहीं है। लिहाजा हसब व नसब के एतबार से सलमान फख्र करते हैं कि मैं फर्जंद इस्लाम हूँ। ये इल्म अल्लाह के हबीब से ले लिया, बाबे मदीनतुल इल्म से सलमान ने ले लिया है। और अगर उनकी शख्सियत को तुम जानना चाहते हो तो देख लो कि उसने अल्लाह के हबीब जो खुल्क अजीम पर फायज हैं, अखलाक हसना से मुत्तसिफ हैं, उनकी इत्तबा की है, उनकी इताअत की है, उनकी पैरवी की है, लिहाजा उनसे अखलाक हसना को अपना लिया। इससे सलमान फारसी की शख्सियत का तायुन हुआ और इसके बाद वो अपनी अकल को बरूए कार लाकर मारिफत मुहम्मद आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम को हासिल कर चुके हैं। मारिफत के हुसूल के बाद वो मोहब्बत और मवद्दत में इस समंदर में डूब चुके हैं कि फिर सलमान फारसी को नबी ये करीम फरमाते हैं कि इनको सलमान फारसी न कहो बल्कि कहो ये सलमान मुहम्मदी हैं, इसलिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की मारिफत में डूब जाए, फिर वो किसी और की तरफ मंसूब नहीं हो सकता, वो मोहम्मद अरबी की तरफ मंसूब हो सकता है। लिहाजा कहो ये सलमान सलमान मुहम्मदी हैं। एक दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक और दुरूद भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और आप देखिए कि क्या शायर ने बात को खूब इस हकीकत को बेहतरीन अंदाज से पेश किया है। ये शेर मंसूब है अल्लामा इकबाल की तरफ। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मुहम्मद से उजाला कर दे। लिहाजा आप देखेंगे जब नूर मुहम्मदी को इंसानी माशरे में फैला दिया जाएगा तो इंसानी माशरा नूर मुहम्मद वाले मुहम्मद से चमक उठेगा, जहालत की तारीखियां मिट जाएगी, इल्म का उजाला फैल जाएगा, जहालत मिट जाएगी, इल्म इंसानी माशरे में छा जाएगा, अखलाक हसना इंसानी माशरे में नजर आने लगेंगे और इंसानी सिफात इस इंसानी माशरे में जिंदा हो जाएगी, हैवानियत मिट जाएगी। एक दुरूद भेजे मुहम्मद आले मुहम्मद पर। तो अजीजान गिरामी, जब मुहम्मद आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम और अहले बैत मुहम्मद अलैहिस्सलाम की मारिफत इंसान हासिल करता है और मोहब्बत और मवद्दत इख्तियार कर लेता है, तो फिर अजीजान गिरामी यह है इंसान की असल कद्र कीमत, यह है इंसान की हकीकी वैल्यू। क्या है वैल्यू इंसान की, क्या कद्र कीमत है इंसान की? अगर बहैसियत मुसलमान अगर हम देखना चाहें कि एक मुसलमान उसकी क्या वैल्यू है इंसानी माशरे में, इस्लामी माशरे में, तो उसकी हकीकत को समझने के लिए यही मेयार अल्लाह के हबीब ने इस हदीस में बयान कर दिया। तीन जुमले हैं, तीन बातें हैं, लेकिन तीन बातों के जरिए एक ऐसी तालीम इंसानी माशरे में इस्लामी माशरे में पेश कर दी कि अगर इस तालीम को इस्लामी माशरा अपना ले, इस तालीम को इंसानी माशरा अपने अंदर जगह दे दे, तो फिर यहां पर जहालत की तारीखियां मिट जाएंगी, इल्म का नूर इस इंसानी माशरे में छा जाएगा और यहीं से एक इंसानी माशरे की और इस्लामी माशरे की तरक्की समझ में आती है। लेकिन अगर ये मारिफत हासिल न हो और ये मोहब्बत और मवद्दत सही माना में अहले इस्लाम और अहले ईमान ना अपना सकें, तो अजीज़ान-ए-गिरामी ऐसी सूरत में
इंसानी माशरे का जवाल है, इंसानी माशरे की पस्ती है, इंसानी माशरे की तबाही है। अजीजान गिरामी, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 14 अगस्त नज़दीक है और यौम आज़ादी है पाकिस्तान का, यौम आज़ादी है, तो हर मुहिब वतन शख्स जो है वो आज़ादी की कदर समझता है, आज़ादी की कदर व कीमत को जानता है। तो हम सब बहैसियत पाकिस्तान पाकिस्तानी होने के ज़ाहिर के आज़ादी की कदर व कीमत को समझते हैं, और लेकिन अब ये 14 अगस्त की तारीख जो यौम आज़ादी आ रही है वो मुहर्रम के अय्याम के साथ साथ है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि यहाँ पर तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मनाना चाहिए, लेकिन कैसे मनाना चाहिए? इस मरतबा इस तरह मनाएं कि देखें कि अय्याम अज़ा हैं, अय्याम गम हैं, अय्याम सोगवारी हैं। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई हर आदमी ने ये शेर और ये नारा सुना हुआ है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई जब ला इलाहा के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हमने पाकिस्तान को आज़ाद किया, तो इसका मतलब क्या है कि वहदानियत खुदा और तौहीद खुदावंद मुताल जो है उसका नूर इस इस्लामी माशरे में और पाकिस्तानी माशरे में रोशन होना चाहिए, नुमाया होना चाहिए। तो भाई ये पाकिस्तान का मशवरा देने वाले वो कौन सी शख्सियतें थीं, पाकिस्तान का नज़रिया एक आज़ाद मुल्क और आज़ाद रियासत का नज़रिया पेश करने वाली शख्सियतें, उनमें पेश पेश अल्लामा इकबाल थे, अल्लामा इकबाल थे। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब शेर कहा है आप देखिए, मारिफत इस इंसान की देखिए। और मैं बस इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि यौम आज़ादी की मुनासिबत से और कैसे इस साल यौम आज़ादी पाकिस्तानी कौम मनाए। कहते हैं ये शेर पर्शियन लैंग्वेज में, अलबत्ता पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी में है, मैं इसका माना पेश करूँगा आपके सामने कि नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त। मौला हुसैन के बारे में कहते हैं अल्लामा इकबाल, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्र उनवाने नजाते मा नविश्त। के जैसे ख्वाजा अजमीरी ने कहा था कि हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन, तो मौला करबला के मैदान में गए और जाने के बाद क्या किया है, यानी वहदानियत खुदा का जो दरख्त है, तौहीद खुदावंदी का जो शजर है, इस शजर की आबियारी अपने खून से की है। लिहाजा अपने खून से जब इस शजर की आबियारी की तो तौहीद का ऐसा दर्स इस सरजमीन से बशरियत को मिला है, ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स, वहदानियत का दर्स अगर कोई सीखना चाहता है तो किबले हिदायत करबला है। लिहाजा अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के दश्त में, करबला के मैदान में ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम इस तरह नक्श कर दिया, इस तरह मनकूश कर दिया कि वहदानियत के परवानों के लिए दरसे तौहीद के लिए बेहतरीन किबले हिदायत बन गया। और ये वहदानियत को अब ऐसी बका मिल गई है, तौहीद खुदावंदी को ऐसी बका मिल गई है कि अब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को दुनिया से रहती दुनिया तक मिटाया नहीं जा सकता। और यही चीज इंसान की सआदत और नजात का सबब है, वहदानियत के परचम तले अहले इस्लाम और अहले ईमान का जमा होना, यही अजीजान गिरामी नजात का सबब है। लिहाजा दूसरे मिसरे में अल्लामा इकबाल यही कहते हैं कि सत्र उनवाने नजाते मां नविश्त, इमाम हुसैन ने ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाकर
ला इलाहा इल्लल्लाह को करबला में सत करके, ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को मनकूश करके वो दर से वहदानियत दे दिया, वहदानियत को इस तरह महफूज कर दिया, वहदानियत को इस तरह बका अता कर दी, कलमे को इस तरह जिंदा कर दिया। और इसी कलमे को पढ़ने वाले, सही माना में कलमे की मारिफत हासिल करने वाले ही नजात अब हासिल कर लेंगे। लिहाजा ये करबला किबले हिदायत है मुवाहिदीन के लिए, वहदानियत के परवानों के लिए। अगर तौहीद को कोई समझना चाहता है तो करबला की तरफ रुख कर ले और करबला से दर से हिदायत को ले ले, दर से वहदानियत को ले ले। जब करबला वालों से दर से वहदानियत मिलेगा उसी वक्त इंसान की समझ में सही माना में तौहीद आएगी। अगर दर से वहदानियत करबला से ना ले तो फिर जबान पर तो ला इलाहा इल्लल्लाह हो सकता है लेकिन वो कलमे की मारिफत कल्ब बशर में नहीं उतर सकती है। अगर कल्ब को वहदानियत के नूर से मुनव्वर करना है तो फिर करबला की तरफ रुख कर लीजिए, करबला को अपना किबला बना दीजिए। वहां से जब हिदायत लेंगे तो हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। मेरे कलमे को हुसैन ने इस तरह हयात अता कर दी कि अब जो इस हिदायत को करबला के मैदान से लेगा वो कलमा इंसान के कुलूब को मुनव्वर कर देगा, इंसान को हिदायत याफ्ता कर देगा, इंसान को नजात का हुसूल का हासिल करने वाला बना देगा। एक दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अजीजाने गरामी, अब यही बात है कि तमाम पाकिस्तानियों को कैसे मनाना चाहिए। बस सादगी से मनाएं और इसी बात को जहन में रखें कि अगर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद से मवद्दत रखने वाले हैं, तो अजीज़ाने गिरामी ये अय्याम मुहर्रम, ये अय्याम सोग, अजीज़ाने गिरामी ये वो अय्याम हैं कि जब मोहम्मद का घराना सोग में मुबतला है। अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के लिए अय्याम सोगवारी हैं और ज़माने का इमाम जो असल साहिब अज़ा है, अज़ादारान हुसैनी, वो गिरगोजारी कर रहा है, वो मातम कुना है। लिहाजा हम फर्श अज़ा बिछाते हैं और अज़ादारी सैयदुश्शहदा को बरपा करते हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी हम असल में पुरसा अपने मौला इमाम ज़मान को पेश करते हैं जो असल साहिब अज़ा हैं और अपने जद पर गिरगोजारी करते हैं, अपने जद का मातम करते हैं। तो ये फर्श अज़ा बिछाकर हम सब अपने मौला और सरकार इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में पुरसा पेश करते हैं। अज़ादारान हुसैनी, आज मुहर्रमुल हराम की तीसरी तारीख है और मुहर्रमुल हराम की इस तीसरी तारीख में मामूलन बर्रसग़ीर हिंदू पाक की रस्म इस अंदाज से है कि जो करबला के सबसे पहले शहीद हैं, करबला के तहरीक के सबसे पहले शहीद, उनके मसाइब का तस्करा 3 मुहर्रम को किया जाता है। और वो मसाइब किसके मसाइब हैं जो सबसे पहले शहीद हैं करबला की तहरीक के? और वो हैं हज़रत मुस्लिम इब्न अकील, हज़रत मुस्लिम इब्न अकील जिनको कहा जाता है सफ़ीर हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के सफ़ीर, इमाम हुसैन के नुमाइंदे। और क्या कहा जाता है? गरीब कूफा, गरीब कूफा यानि वो हस्ती जो कूफा के शहर में गरीबुल वतन हो गई, वो जो कूफा में परदेसी हो गए, वो जो कूफा में गिरदाब मसाइब में घिर गए। और तारीख को देखें कि कैसा ज़माना है कि जब इत्माम हुज्जत के लिए जनाब मुस्लिम को सफ़ीर बनाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना करते हैं और कूफे में आते हैं जनाब मुस्लिम, तो आने के बाद कूफे की आबादी, तारीखें लिखती हैं कि कूफे की आबादी उस वक्त तकरीबन 60,000 के करीब है, 60,000 की
कूफा शहर की आबादी और जब मुस्लिम इब्न अकील, अलबत्ता मुतअद्दिद रिवायतें हैं, बाज़ रिवायतों के मुताबिक आप हानी इब्न उरवा के मकान में और उनकी मंजिल में क़याम करते हैं और वहाँ बैत के लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है, बैत के लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है और आप देखें कि बाज़ तारीख़ें लिखती हैं 18,000 कूफियों ने बैत की हज़रत मुस्लिम के हाथों पर, बाज़ तारीख़ें लिखती है यहाँ तक कि 30,000 कूफियों ने बैत की, लेकिन ये 18,000, 20,000, 30,000 कूफी जिन्होंने बैत की, यानी आधा शहर बैत कर ले, आधा शहर बैत कर ले, तो मुस्लिम इब्न अकील ने एक नामा लिखा, मकतूब तहरीर किया अपने मौला के नाम पर और रवाना किया कि कूफियों ने मेरे हाथ पर बैत की है और ये वादा किया है कि आपका साथ देंगे, आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर दुश्मनान इस्लाम से जंग करेंगे। लिहाजा अब आप देखिए कि जिस मुस्लिम के हाथों पे 30,000 का लश्कर बैत कर ले, अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जब गवर्नर बनाकर भेजा गया तो उसकी मुनाफकत और उसके किरदार की वजह से और वो कूफी लोगों में जो मक्कारी की आदत थी और दगा करने का जो रिवाज था, तो आज़ादारान हुसैनी आप देखिए कि वो वक्त मुस्लिम इब्न अकील पर आ जाता है कि अब जो 18,000 या 20,000 का लश्कर, 20,000 अफराद जिन्होंने बैत की है, वो सब के सब मुनसरिफ हो जाते हैं, सब के सब मुनहरिफ हो जाते हैं और वो वक्त आता है कि हानी के घर पर जब लोगों को भेजा जाता है कि गिरफ्तार किया जाए हजरत मुस्लिम को और वहां से जनाब मुस्लिम निकल जाते हैं, तो आज़ादारों अब मुस्लिम जब वहां से निकलते हैं तो क्या कैफियत है इस परदेसी की, इस सफीर हुसैनी की। आप देखिए कि कूफा में जब जाते हैं और परदेसी हैं गलियों में पहुंच जाते हैं तो वो मोमिना, वो ज़ईफ़ा जिसका नाम तौआ है, एक मरतबा उसके दरवाजे पर बैठते हैं और बैठने के बाद जब वो ज़ईफ़ा दरवाजा खोलती है और पूछती है कि ऐ शख्स तू कौन है, तू अपने घर चला जा, कूफे के हालात बहुत बुरा शोब है, तो आज़ादारो उस वक्त मुस्लिम का जवाब सुनिए किस तरह मजलूमाना तरीके से इमाम हुसैन का ये सफीर गिरदाब मसाइब में गिरफ्तार है। मुस्लिम जवाब देते हैं कि जिसका कोई घर ना हो, जो बेघर हो वो कहां जाए। उस वक्त तौआ ने अपने घर में मुस्लिम को पना दी कि मैं अहले बैत की चाहने वाली हूं, मैं अहले बैत की मानने वाली हूं, मुस्लिम आ जाओ, आकर मेरे घर में पना ले लो। मुस्लिम नहीं चाहते थे लेकिन ज़ईफ़ा के इसरार पर मुस्लिम घर में पनाह ले लेते हैं। लेकिन जब मुखबिरी हो गई, दुश्मनों को पता चल गया कि आप तौआ के घर में पनाह लिए हुए हैं, 500 लश्करी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हाजिर हो जाते हैं। वारे गैरत मुस्लिम, आप देखिए कि जब लश्कर की टापों की आवाजें आती है घर को छोड़ के निकलने लगते हैं, तौआ कहती है कि घर में आप पनाह लिए रहे और यही रुके रहे, कहा है ज़ईफ़ा तूने मुझे पनाह दी है, मैं नहीं चाहता कि मैं मुस्लिम इब्ने अकील की वजह से दुश्मन तेरे घर के एहतराम को पामाल कर दे, तेरे घर में घुस आए। मैं कहूंगा अरे मुस्लिम इब्ने अकील, तुम्हें एक मोमिना का इतना ख्याल है कि दुश्मन उसके घर में घुस के एहतराम को पामाल न कर दे, काश असरे आशूर तुम होते तो देखते। अरे सईदानिया खेमों में मुजतरिब थी, तड़प रही थी जब इमाम हुसैन न रहे, लश्कर अश्किया खेमे जलाने के लिए आ गया, चादरें छीन ली। आज़ादारो अब मुस्लिम जब निकले आए, मुकाबला हुआ है और जख्मों से चूर चूर अल्लाह के हबीब के नवासे का ये नुमाइंदा कूफे में इस तरह मजलूम
हो गया, जख्मों से जब चूर चूर हो गए, एक मर्तबा मुस्लिम के लब जख्मी हुए, वो मुंह से खून जारी हुआ, जिस तरह हुसैन प्यासा इस दुनिया से गया था, हुसैन का ये नुमाइंदा भी यूं ही प्यासा इस दुनिया से गया है। अज़ादारों, जब पानी पेश किया गया, खून से पानी नजिस हो गया, पानी फेंक दिया, दूसरी मर्तबा तकरार हुआ, तीसरी मर्तबा प्याला दिया गया, लेकिन खून इतना जारी था कि उस तिश्नगी में अज़ादारों एहसास करो, गर्मी का वो आलम था, जख्मों से चूर चूर मुस्लिम इब्ने अकील था, लेकिन अज़ादारों तिश्नगी का क्या आलम होगा, प्यास की कैसी शिद्दत होगी, लेकिन पानी नसीब ना हुआ। अलगरस जब गिरफ्तार करके मुस्लिम इब्ने अकील को दारुल इमारा पर ले जाया गया, उस वक्त मुस्लिम और ज़ार कतार रोने लगे। लोगों ने कहा, मुस्लिम तुम तो शुजा हो, तुम तो बहादुर हो, अब रोते क्यों हो? कहा, मैं अपने लिए ही रोता, अरे मैंने नामा अपने मौला को लिखा है, आप कूफा आ जाइए, कूफे ने बैयत की है, मेरा मौला कूफे में आ गया तो मजलूम हो जाएगा, उसका क्या आलम हो जाएगा। आज़ादारो, वसीयतें की, नसीहतें की, मुझ पर कर्ज है, मेरी तलवार को बेचकर कर्ज अदा कर देना, मेरे मौला को जल्द अज जल्द ये पैगाम भिजवाओ कि कूफियों ने बैत तोड़ दी, आप कूफे की तरफ ना आइएगा। आज़ादारो, अब मुस्लिम का जब सर कलम किया गया, सर तन से जुदा किया गया, जसद दारुल इमारा की छत से नीचे गिराया गया, और आपके सरे मुबारक को रसन से बांध कर ऊपर लटका दिया गया, और जसद को जमीन पर घसीटा गया। अज़ादारो, अल्लाह अल्लाह, क्या मजालिम आले अभी तालिब पर ढाए गए, जिन्होंने ये कुर्बानियां दी, दीन को बचाया। आज़ादारो, अब मुस्लिम का जनाजा है, मुस्लिम का जसद है, कूफे की जमीन पर घसीटा जा रहा है, सरे मुबारक को दारुल इमारा की छत पर लटका दिया गया है। आज़ादारो, यहां मुस्लिम शहीद हुए, वहां का हुसैन ने एक बच्ची, मुस्लिम की बच्ची को बुलाया, जिसका नाम तारीख लिखती है कि आतिका था। आज़ादारो, पांच तारीखें हमीदा खातून लिखती है, बहरहाल आतिका को बुलाया, आगोश में बिठाया, सर पे शफकत का हाथ रखा, खानदान बनी हाशिम की बच्ची थी, कहने लगी, चचा आज तो आप इस तरह सर पे हाथ रखते हैं जैसे मैं यतीम हो गई। आज़ादारो, मैं कहूंगा मौला, आइए मुस्लिम की यतीमा पर दस्त के शफकत बेर रहे हैं, करबला में जवाब दे रहेंगे, अरे नन्नी सकीना आपके सीने पे सोने वाली, आपके अब्बास की आगोश में पलने वाली, अबू अब्बास करने वाली कोई ना होगा, बच्ची यतीम हो जाएगी, लेकिन शफकत का हाथ सर पे फेरने वाला कोई ना होगा, शिवरे मलून आएगा, तमाचे लगाएगा, बच्ची प्यासी होगी, मशकीजे से पानी बच्ची को दिखा दिखा कर करबला की जमीन पर गिराया जाएगा। अला लअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन कलबी यत्कलबून। बारे ला, हमारी इस आज़ादारी और तवस्सुल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। परवरदिगारा, बानियान मजलिस और हाजिरी ने मजलिस की जो भी हाजतें हैं, इस फर्श अज़ा पर आंसू बहाए और इमाम ज़मान को पुरसा पेश किया, हुसैन की दुखियारी माँ को पुरसा पेश किया, खुदावंदा इन सब की हाजतों को पूरा फरमा।
खुदावंदा हम सबको सही माना में आज़ादारी सैयद शहदा के कायम करने की तौफीक इनायत फरमा। खुदावंदा जब तक जिंदा हैं इसी आज़ादारी सैयद शहदा के साथ हमें जिंदा रखना, जब मरें तो परवरदिगारा इसी आज़ादारी सैयद शहदा के साथ हमें इस दुनिया से उठाना। परवरदिगार तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो मरहूमीन हैं उन सबको भी, जो जिंदा हैं उन सबको भी मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिम सलाम की शफात नसीब फरमा। खुदावंदा तेरी बारगाह में हम दुआगो हैं कि मुंतकिम आल मोहम्मद जो इन तमाम मजालिम का इंतकाम लेने के लिए पर्दे गैब में हैं और वो बकियतुल्लाह हैं, वो बाकी वो जख़ीरा है तेरी तरफ से कि जो इन तमाम मजालिम का इंतकाम लेंगे, परवरदगारा इन मजालिम के इंतकाम के लिए दुनिया में अदल इंसाफ को नाफिस करने के लिए आलमगीर हुकूमत इस्लामी को कायम करने के लिए परवरदगारा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके अंसार उनके आवान उनके खास शियों में और जानसारों में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।